थिएटर जैसे हमने हमारे लिए ही बुक किया हो उस तरह का ही हैप्पी शिवरात्रि पग्य। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। केम छो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो अभी बचे हैं 9 और भाग्य और प्रातिक का क्लास चल रहा है। और अभी जो है मेन तो क्या है कि इंग्लिश में प्रातिक को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इंग्लिश का ख़त्म हो गया है। तो 10:30 बजे आज हम मूवी देखने जाने वाले हैं। यानी तो जो गंगूबाई काठियावाड़ी है वो मूवी रिलीज हो चुकी है, तो हम वो देखने जाएंगे। और फिर मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगी कि कैसी है और कैसी नहीं। तो अभी क्या है कि सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और फिर मैं क्या करूंगी, इनको सैंडविच खानी है, तो मैं सैंडविच बना के जाऊंगी या आके बना दूंगी। और सुबह का थोड़ा बहुत काम था वो भी हो चुका है, तो बस चलते हैं। क्योंकि क्या है कि कभी कभी हम ऑनलाइन यहाँ पर देखते हैं कि शो दिखाई देता है, फिर वहाँ पर जाते हैं तो कोई ना होने के कारण शो जो है मूवी का वो कैंसल हो रहता है, तो कभी कभी उस टाइप का भी होता है। तो क्या है कि फिर जाएंगे, फिर नहीं होगा तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या सीन है वहाँ पर। और आज लास्ट दिन भी है ऑफ का, तो हमें थोड़ी बहुत ग्रोसरी भी लेनी है, क्योंकि अभी 6-7 दिन तक हम जा नहीं सकेंगे मॉल में। तो अभी देखते हैं क्या सिनारियो है, वहाँ पर पहुँच के ही पता चलेगा। तो अभी हम मॉल के लिए निकले थे, और भाग्य और प्राति ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, थोड़ा हैवी, तो उसने बोला कि आके सैंडविच बना देना, तो मैं आके ही सैंडविच बना दूंगी। और क्या था कि अभी जो है वीकडे का टाइम है, तो ज़्यादा कोई जो है वो लोग दिखाई ही नहीं दे रहे थे मॉल में। और क्या है कि फिर हमने वहाँ से जो हमारा एक वो डर था कि वहाँ शो चल रहा है गंगूबाई काठियावाड़ मूवी का कि नहीं, वो सब ख़त्म हो गया। और हमने तुरंत ही टिकट्स ले ली, और क्या था 5 ही मिनट में फिर मूवी स्टार्ट हो गई। तो मैंने जिस तरह से आपको दिखा रही हूँ इस तरह से कोई भी मॉल में दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत सारी ऑफर्स लगी हुई थी पर कोई भी आ नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से अभी जो है मॉर्निंग का टाइम था इसीलिए। और ये है थिएटर जो रुवेज का यहाँ पर है, आप देख सकते हो। मैंने पूरी तरह से, आज तो थिएटर में भी कोई लोग नहीं थे, तो मैंने अच्छी तरह से इसकी क्लिप जो है ली है, पूरी तसल्ली से ली है कि क्योंकि इतना जो है मेहुल टिकट्स ले रहे थे तो मेरे पास टाइम था और कोई लोग भी नहीं थे, तो इसीलिए मैंने अच्छी सी क्लिप निकाली है आपके लिए। क्योंकि इससे पहले जब मैं मूवी देखने आई थी तो वो मैंने जो पहले मैंने व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था कि वो सारी क्लिप्स जो है मेरे से डिलीट हो गई थी, तो उस टाइम पर मैं दिखा नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैं इस टाइम वो गलती नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि डिस्टेंसिंग का बोर्ड भी, नीचे स्टिकर भी लगे हुए हैं, पर अभी कोई था ही नहीं। और अभी तो सिचुएशन भी अंडर कंट्रोल है, तो वैसी कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरह का रुवेज का छोटा सा थिएटर है सिने रॉयल करके, और यहाँ जो ब्रेक टाइम में स्नैक्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिल जाता है। और 2-3 स्क्रीन भी चल रही थी जहाँ पर इंग्लिश या कोई साउथ इंडियन मूवी चल रही थी, पर हम जो हिंदी मूवी देखने गए थे उसमें कोई भी नहीं था। पूरा ही थिएटर जैसे कि हमने हमारे लिए ही बुक किया हो वैसा था, क्योंकि हमने सोचा कि अभी थोड़ी देर है तो बाद में कोई आएगा, पर कोई आया ही नहीं। तो आप देख सकते हो टिकट्स लेने के बाद हम, ये है अंदर का एरिया जहाँ पर जो है 1, 2, 4 स्क्रीन है। तो अब मैं अंदर का थिएटर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो ये थोड़े बहुत ट्रेलर आ रहे थे,
पता नहीं ये भी एक साउथ इंडियन ही मूवी थी जो अजय देवगन वगैरह भी इसमें थे, और आप देख सकते हो कि देखो हमने आकर ये देखा कि कोई है ही नहीं यहाँ पर, जहाँ चाहे वो आप बैठ सकते हो, पर हमने जहाँ पर टिकट्स ली थी वहाँ ही हम बैठे थे, पूरा ही थिएटर एकदम ही खाली था। और 1 बजे हम घर वापस आ गए थे। मैं सैंडविच यहाँ पर बना रही हूँ, आप देख सकते हो मैंने प्याज ली है, गाजर लिया है, कैप्सिकम लिया है, ककड़ी ली है, एक पत्ता गोभी ली है, चिली फ्लेक्स लिए है, मोजरेला चीज़ लिया है, यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस लिया है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर लिया है। पर मैं भाग्य और प्राती के सैंडविच में वो दोनों ही नहीं ऐड करूँगी। तो अब मैंने इस वाली ब्रेड मेरे पास पड़ी हुई थी तो सोचा कि इसमें ही सारा है स्टफिंग भर के मैं सैंडविचेस बना देती हूँ। तो मैं 1 बाय 1 सब इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। मेरे पास यहाँ पर जो है ब्रोकली वगैरह नहीं था, तो मैं वरना ब्रोकली भी ऐड कर देती हूँ, और टमाटर वो इन दोनों को पसंद नहीं है इसलिए मैं वो ऐड नहीं करूँगी। तो पहले मैंने सेजवान सॉस भी मैंने लिया है, तो मैं सेजवान सॉस पहले स्प्रेड कर दूँगी और फिर सारे ही वेजिटेबल उसमें जो है ऐड करके फिर मैं इसे एक पैन में ऑयल लगाकर दोनों साइड सिक लूँगी। तो इस तरह से हमारी सैंडविच तैयार हो जाएगी। और ये क्या है, इंस्टेंट सैंडविच है, जल्दी बन जाती है। आप कह सकता घर में थोड़े बहुत वेजिटेबल्स पड़े हो तो उसका भी यूज़ हो जाएगा, आप वेजिटेबल्स आपके बच्चों को भी इसमें अच्छा लगेगा। तो क्या है कि एक ये हेल्दी सा ऑप्शन है, अगर आपको क्विक कोई भी ब्रेकफास्ट वगैरह या स्नैक्स वगैरह बनाना है तो, और एकदम ही डिलीशियस बनती है। तो ये तो एकदम ही नॉर्मल रेसिपी है, ये सबको ही आती है, और मोजरेला चीज़ मैं ज़्यादा ही इसमें ऐड करती हूँ क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है। और बस इस तरह से हमने लंच भी कर लिया क्योंकि क्या था, जल्दी बनाना था और भूख भी दोनों को लगी थी, तो जल्दी जल्दी ये लंच भी हमने प्रिपेयर कर लिया। और फिर थोड़ी देर हम सो गए थे क्योंकि दोपहर की जो नींद है वो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं बहुत ही सोती थी इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा था, पर क्या है कि वो दोपहर की जो नींद है वो अभी तक गई नहीं है। तो आप ये देख सकते हो ये मेरे बिल्डिंग के सामने वाला जो है रास्ता है, और मैं आपको अच्छी सी धूप थी तो इतनी अच्छी क्लियरिटी आ रही थी इसलिए मैं सब कैप्चर कर रही थी। तो आप देख सकते हो, और मैंने इसके पहले जो गार्डन दिखाया वो बड़ा सा सेंटर पार्क अभी न्यू बना है, और ये है इंटरनल बस जो रुएज में चलती है उसका बस स्टॉप है। मैं आगे उसका अंदर से और बाहर से भी दिखाऊंगी। यहाँ साइकिलिंग करने के लिए ये पाथ बना हुआ है, और वॉक करने का भी दोनों ही साइड रास्ता बना हुआ है। तो कभी मैं पूरे ही रुएस में क्या क्या है और कैसा है वो दिखाने की कोशिश करूँगी, पर अभी तो क्या है कि फिर अभी विंटर आएगा तब मुमकिन हो पाएगा कभी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी बढ़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि बाहर जाए। साइकिल स्टैंड जगह जगह पर इस तरह से लगे रहते हैं, तो आप वहाँ पर साइकिल जो है रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये रहा बस स्टॉप, जब अभी तो कोविड का टाइम है तो बसें चल नहीं रही है, वरना ये बस स्टॉप था कि जिसके घर के ही सामने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर, यानी कि 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे वाले सारे ही बस स्टॉप सेम ही है। इस तरह के बहुत सारे रुएज में बने हुए हैं, और ये देख सकते हो कि मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ था कि दरवाज़ा खोलने के लिए खिसकाए।
तो मैंने हम तो रोज़ यहाँ से पास होते हैं वॉक करते हुए, पर कभी मैंने इसको नोटिस किया नहीं था। और आप ये देख सकते हो, ये अंदर का है, पूरा ही ग्लास का है, तो इसको आप बाहर से भी दिखाई दे रहा है। तो अंदर ये सिटिंग एरिया है बच्चों के लिए या एजेड व्यक्ति के लिए। और इसके अटैच में थोड़ा सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो डस्टबिन थी, मैं आपको बाहर से दिखा दूंगी। तो इस तरह से कोई वेट अंदर करना चाहता है तो अंदर कर सकता है, बाहर भी जो है वेटिंग कर सकता है बस के लिए। और पूरा ही सेंट्रलाइज एसी वाला है ये बस स्टॉप, तो आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। गर्मी के टाइम यहाँ पर सबको ही पता है बहुत ही गर्मी रहती है 6 महीने तक। तो बस ये ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर वाला था, और मैंने आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इस बस स्टॉप में ज़्यादातर कोई भीड़ भाड़ कोई वॉक करने नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि अच्छी सी क्लिप निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हो पीछे जो है यहाँ पर दो डस्टबिन दी गई है, वो सारी बस स्टॉप में अटैच ही है। जनरल वेस्ट के लिए है, और एक प्लास्टिक मटेरियल्स के लिए है, कैन वगैरह बॉटल्स वगैरह डालने के लिए। तो ये है रूवेज का बस स्टॉप इंटरनल बसों के लिए। तो कितनी अच्छी धूप निकली थी, और आज थोड़ा वेदर भी अच्छा था, पर जो हवा थी वो भी कम चल रही थी, तो अच्छा था। और फिर कल से ड्यूटी हो जाएगी, तो 7 दिन फिर से जो है वॉक करना मुश्किल हो जाएगा। तो तभी मैं अपने मेरी फ्रेंड के साथ वॉक करने जाती हूँ। तो एक आप देख सकते हो एक अगला बस स्टॉप। तो पूरे ही रूवेज में कितने ही सारे इस तरह के बस स्टॉप बनाए गए हैं, और एक तीसरा वाला बस स्टॉप। तो बस वही है, फिर घर आए और खाना बनाया, डिनर वगैरह किया, और फिर जो है मैं एडिटिंग करने बैठ गई शाम को। और ये मुझे जो है तेल बनाना था एलोवेरा का, तो उसके लिए मैंने कट करके निकाले हुए हैं। मैं तो जो है मूवी बहुत ही अच्छी लगी, और आपने देखा इस तरह से पूरा ही थिएटर जो है खाली पड़ा था, कोई था ही नहीं। तो बस इतना ही आज के व्लॉग में, क्योंकि फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो बस मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियोज़। पाछड़ बदे खड़ तो पाछड़ बस आगड़ भैया।